हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसेज चार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेज चार में। तो आज हम लोग आए हैं जयगढ़। ये रास्ता जाता है नारगढ़ फोर्ट की तरफ और ये सीधा वाला जयगढ़ फोर्ट की तरफ। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग जयगढ़ फोर्ट में क्या क्या है, किस लिए वो इतना फेमस है। तो ये जयगढ़ फोर्ट अरावली पर्वत पे है जो कि जयपुर में स्थित है, और कहा जाता है कि सबसे टॉप में नारगढ़, फिर जयगढ़ और फिर आमेर प्लेस होता है। और यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, क्या देखने के लिए, वो सारा चीज हम लोग आपको एंट्री करने के बाद दिखाएंगे। ये इसका पार्किंग सेक्शन है और चलिए चलते हैं। पहले तो आप लोग जो किला घूमने के लिए है ना, ये वाला इस फोर्ट को जाना जाता है आंबेर फोर्ट जयगढ़ के नाम से। आंबेर जगह का नाम है, किले का नाम है जयगढ़। तो जयगढ़ फोर्ट ही आंबेर पैलेस को सुरक्षा देने के लिए था, क्योंकि जयपुर जो बना वो 1727 में बाद में बना। तो उससे पहले यहाँ के जो 27 राजा थे, उन राजाओं की जो 700 साल तक राजधानी थी वो आंबेर हुआ करती थी। तो आंबेर में दो चीजें थी, एक किला एक पैलेस। तो इसके बिल्कुल टाउन साइड में नीचे आंबेर पैलेस है, ये है जयगढ़ फोर्ट। तो उसमें रॉयल फैमिली रहती थी, इसमें राज परिवार की तीन चीजें रहती थी, इसमें सेना, खजाना और वेपन्स। अच्छा, ये तीन चीजें यहाँ पे रहती थी। तो ये जो फोर्ट है ये जयपुर और आंबेर का सबसे पुराना फोर्ट है, जो 1000 साल पुराना है। किले के फाउंडेशन रखे गए थे यहाँ के जो फर्स्ट राजा कांकल देव थे उनके द्वारा 1036 में। किला बनवाने में समय लगा 700 साल। अच्छा, 700 साल लगे थे। 27 जनरेशन ने मिलके इस फोर्ट को कंप्लीट करवाया था। तो यहाँ के जो 27 नंबर के राजा थे उनका नाम था सवाई जय सिंह। उन्होंने जितनी भी चीजें कम्प्लीट करवाई थी सबके आगे अपना नाम जोड़ा जय। तो उन्होंने इस फोर्ट को कम्प्लीट करवाया था 1720 में, इसलिए इसका जयगढ़ जय सिंह का नाम है, आगे जय और पीछे गढ़, जयगढ़ हो गया ये। तो ये वैसे जयपुर का पहला फोर्ट है जिसमें गाड़ी अलाउ की जाती है। और राजस्थान का सेकंड नंबर का फोर्ट है। चित्तौड़गढ़। अच्छा, चित्तौड़गढ़ में। तो ये फोर्ट है ये, लेकिन आज भी रॉयल फैमिली का है, गवर्नमेंट का नहीं है। अच्छा, रॉयल फैमिली का ही अभी भी। हाँ जी, अभी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो राजा है वो 41 नंबर के राजा है, जिनका नाम है सवाई पद्मनाभ। आइए सर जी। यह है सर दुनिया की सबसे बड़ी तोप। इस तोप का निर्माण यहाँ के राजा सवाई जय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था 1720 में। वैसे इस कैनन को बनवाना स्टार्ट करवाया था राजा मानसिंह जी ने, जो अकबर के चीफ थे। लेकिन कंप्लीट जय सिंह जी के समय हुई तो इसके आगे उन्होंने अपना नाम जोड़ा जय, और इसका नाम रखा जय बाण। तीसरा निर्माण हुआ उनके द्वारा 1727 में जयपुर सिटी, और 1734 में बना जंतर मंतर, इसलिए चारों के की जय नाम है। ये सारे चारों चीज जय सिंह ने कंप्लीट करवाई थी। तो ये जो कैनन है 300 साल पुरानी है, इस तोप को नीचे बनवा के यहाँ तक इसके अलग अलग पार्ट लाए गए थे एलिफेंट्स के द्वारा। असेंबल यहीं पे किया गया इसको। असेंबल होने के बाद इसी जगह और इसी डायरेक्शन से मात्र एक दफा चलाया, वो भी टेस्ट फायर। अच्छा, दोबारा कभी यूज में नहीं आई, सिर्फ एक बार। हाँ, क्योंकि जयपुर में कभी लड़ाई हुई नहीं। तो कैनन को चलाने के लिए 100 kg गन पाउडर, 100 kg और 50 kg का आयरन बोल चाहिए। इस तोप की रेंज है 22 mils, यानी 35 किलोमीटर। जहाँ पे इस तोप का गोला गिरा वहाँ एक खड्डा हुआ, उसको बाद में राजाओं ने एक बड़ा तालाब बनवा के उस जगह का नाम रखा गोलीमार तालाब। जो जयपुर में टोंक रोड पे चाकसू गांव है वहाँ पे आज भी एक तालाब है जिसको गोलीमार तालाब के नाम से जाना जाता है। इसका गोला गया। हाँ जी, लेकिन इस तोप का जो ओरिजिनल पार्ट है 300 साल पुराना, जो इसका ऊपर वाला बैरल वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट है। तो ये जो ऊपर जो तोप है, जो इसमें 8 मेटल्स हैं। अच्छा, 8 मेटल्स का बनाया है। कौन कौन से? क्योंकि मेन चीज इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन, जो भी जमाने में तांबा कांसा जो भी होते थे सबको मिला के इसको बनाया गया, क्योंकि मेन चीज होता तोप का बैरल। अगर हल्का सा भी सुराग हुआ पूरी तोप बेकार हो जाएगी। वो तो है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, तो इसमें 8 मेटल मिलाया गया जिसका लेंथ है 20 फीट। अच्छा, इसका वेट है 50,000 kg। 50,000? हाँ, ओनली बैरल का। अच्छा, बैरल का। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये उस टाइम का नहीं है। आयरन वाला पार्ट देख रहे हो ना, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो पार्ट था वो तो उसी समय डैमेज हो गया जिसको टेस्ट पर के लिए चलाया था। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट ने वैसे लगवाया? नहीं, नहीं, ये राज परिवार के द्वारा। अच्छा, राज परिवार, क्योंकि अभी भी राज परिवार के पास ही है ये। तो लेकिन ये जो पेंट है नीचे वाला पार्ट, टायर वगैरह, ये 1835 से 80 के बीच में बनाया गया है। अच्छा, जो टोटल आयरन का बना और महाराजा सवाई राम सिंह जी के समय पे, बना। हाँ, तो इसका वेट है 200 टन है टोटल। इसका लेंथ है 35 फीट और इसका टोटल वेट है 250 टन, मतलब 2.5 लाख किलो।
अच्छा। जिसमें 9 फीट के ऊपर अगले वाले टायर्स हैं, उसके हाफ रेंज के पीछे वाले हैं, बीच में जैक सिस्टम दिया गया स्कोप के रेंज को कम दूर करने के लिए, लेकिन इसका मेन फ्रंट आगे है, दुश्मन तो कहीं से भी आ सकता है ना। अगर स्कोप को राउंड करना हो तो इसके चारों साइड में 4 कुंदे बना रखे हैं। अच्छा, ये एलिफेंट्स के लिए होते थे ताकि उनके द्वारा इसको राउंड किया जा सकता है, लेकिन उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी एलिफेंट की सहायता से। तो ये किला तो आज भी रॉयल फैमिली का है ना, तो हिंदू धर्म में दशहरे पर शस्त्र पूजा होती है, आज भी इस तोप की रॉयल फैमिली के द्वारा हर दशहरे के दिन पूजा करवाई जाती है, जो आप लोगों को मेन फ्रंट पे पूजा के निशान दिखाई देंगे। साथिया वगैरह छोड़ दे। हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, तो इसके ऊपर भी एक एलिफेंट का चित्र दिया हुआ है गणेश जी का। तो हर दशहरे के दिन इस तोप की पूजा होती है, लेकिन जो ऊपर वाले टेन सेट देख रहे हैं ना, ये उस समय के नहीं है, ये राजा राम सिंह जी ने बनवाए थे, लेकिन ये इंग्लैंड से लाके कहते हैं कवर करवाए गए 1835 से 80 के बीच में। तो कलर पॉइंट इन पे होता रहता है। अच्छा, कलर ये 10 9 फीट के अगले वाले हैं, उसके हाफ रेंज के पीछे वाले हैं, ये आगे का सिरा है, आगे वाला पार्ट है जो 9 फीट का है, उसका बैक फीट का उसकी हाफ रेंज का है, बीच में वो जैक सिस्टम है, ये 2 कुंदे मैंने पीछे दिखाए, 2 कुंदे बैरल के नीचे। तो इनको क्या चारों तरफ जो भी कैपेसिटी होती थी हाथियों की, उनके द्वारा इसको लगा के इसको राउंड किया जा सकता था, लेकिन उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मात्र एक दफा चली, वो भी टेस्ट फायर के लिए। इसीलिए कभी इस तोप को ना हिलाया गया ना घुमाया गया। तो ये फोर्ट तो आज भी रॉयल फैमिली का ना, तो ये देखो इस साइड से आज भी इस फोर्ट के ऊपर रॉयल फैमिली का ही फ्लैग लगाया जाता है, वो पचरंगी ऊपर लगा हुआ है, लेकिन अभी जैसे सिंगल फ्लैग है तो इसका मैसेज है कि प्रेजेंट टाइम के जो राजा हैं वो जयपुर में नहीं है। अच्छा, जब यहाँ पे 2 फ्लैग रहते हैं तो राजा जयपुर में रहते हैं, सिंगल फ्लैग का मैसेज है कि यहाँ के राजा यहाँ से बाहर जा चुके हैं। अच्छा, अभी यहाँ के 41 नंबर के राजा हैं जिनका नाम है सवाई पद्मनाव। अच्छा, पद्मनाव, हाँ, वो जयपुर की सिटी पैलेस में रहते हैं। अच्छा, अभी भी रहते हैं वहीं रहती है। आधा पार्ट आप लोग जाके उसमें विजिट कर सकते हो और आधा पार्ट रॉयल फैमिली का है, जिसमें चंद्रमहल वाला पार्ट है जिसमें आके राज परिवार रहते हैं, वो वाला पार्ट अपन नहीं देख सकते। तो ये फोर्ट तो पूरा सुरक्षा के लिए था ना, इसमें जैसे सेना खजाना और वेपन्स, तो जैसे जो भी चीजें थी राशन वगैरह गोला बारूद वो तो नीचे से ला के रख देंगे, लेकिन उस जमाने में पानी के लिए कोई सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने 300 साल पहले इस फोर्ट के अंदर पानी लाने के लिए एक वाटर कैनाल का निर्माण करवाया, और वो वाटर कैनाल आज भी यूज में है, अभी भी उसमें वाटर है। आज भी उस वाटर कैनाल के द्वारा बारिश का पानी लाके फोर्ट के अंदर स्टोर किया जाता है, वो आप लोगों को ऊपर से दिखाई देगी। उस जमाने का जो फिल्टर सिस्टम था उस वाटर कैनाल के पानी के लेवल के आधार पर किया जाता था, जो आज भी होता है। और आज भी उस टैंक में आके स्टोर होता है जो पानी पहले की तरह पीने के यूज में लिया जाता है। तो उन्होंने इस फोर्ट में 3 टैंक दे रखे हैं। अच्छा, 3 अलग अलग उसके हिसाब से, जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए और जानवरों को पिलाने के लिए। अच्छा, तीनों के सेपरेट कर रखे उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने उस जमाने का फिल्टर सिस्टम था ना, वो देखो इधर से, इधर से यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर नारगढ़ फोर्ट है। हाँ, वहां से लेके यहाँ तक 5 किलोमीटर की एक वाटर कैनाल बनाई उन्होंने, कि 5 किलोमीटर का जो भी बारिश का पानी है वो देखो ये वाला पार्ट है। अच्छा, इससे आता है। अच्छा, ये यहीं तक दिखाई दे रही है, वैसे इसकी लंबाई है 5 किलोमीटर और ये वी शेप में बनी हुई है लेफ्ट और राइट साइड से। ओके, ये जब रोड बना तो वहाँ पे इन्होंने पाइप लगा दी, पहले वहीं से वाटर कैनाल जॉइंट थी। तो बैक साइड का जो भी बारिंग जो आएगा पीछे के साइड का बहता हुआ, वो देखो एक नीचे जाली लगा हुआ। हाँ, लगा हुआ ये जाली इसलिए है कि पहले क्या अभी भी जैसे कोई बड़ी पेड़ की टहनिया वगैरह आएगी तो वो जाली पर रुक जाएगी। हाँ, वहाँ से तकरीबन 10-12 फुट पानी नीचे गिरेगा। हाँ, हाइट से जब पानी नीचे गिरेगा तो उसको आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो उसके लेवल के आधार पर उन्होंने वाटर कैनाल को फिल्टर करने का जो सिस्टम बना रखा है, इसका पार्ट उस साइड से आप लोगों को दिखाई देगा। आप लोगों को जलमहल और कनंग गार्डन का व्यू दिखाई देता है। ये जो जलमहल है इसका निर्माण महाराजा स्वाई प्रताप सिंह जी के द्वारा 1799 में करवाया था। लेकिन उस समय यह पानी नहीं था।
पानी की जगह जंगल था, जंगल के बीच में ना हुआ पैलेस था और उस पैलेस का नाम था मानसागर पैलेस। मानसागर तो उस टाइम पे लाइट वगैरह नहीं थी, रोहित फैमिली यहाँ गर्मी के टाइम पे आके आराम किया करते थे। अच्छा, जलमहल में। हाँ अच्छा। और पूरा जंगल था तो शिकार के लिए आया करते थे। लेकिन 1981 में जयपुर में रेगुलर बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। हाँ। सारा पानी यहीं पे आके स्टोर हो गया। बीच में पैलेस रह गया, लोगों ने नाम रखा जलमहल। जलमहल तभी से आप लोग इसमें अंदर नहीं जा सकते, मेन रोड पे एक चौपाटी टाइप में बना हो, वहाँ से फोटोग्राफ कर सकते हो कि पानी की वजह से अंदर नहीं जाने देते। ये पानी के जस्ट पहले एक बना हुआ कनक गार्डन, इसमें गोविंद देव जी और नटवर जी के मंदिर से कहाँ पे ये जो येलो कलर का जो छोटे छोटे ये यहाँ पे ये जो ये कनक गार्डन है, कनक घाटी गरम वृंदावन तीन नामों से इसको जाना जाता है। इसके दो पार्ट है, तो ये गोविंद देव जी और नटवर जी का पुराना टेम्पल्स है। और ये जो वाटर कैनाल दिखा रहा था ना मैं आपको, इस वाटर कैनाल का जो फिल्टर वाला पार्ट है वो देखो इस कोने से। चलिए, ये वाला वो पार्ट है वाटर कैनाल का। अच्छा। हाँ। अब यहाँ से इसका स्लोप नीचा दिया है जो पेड़ के नीचे दिखाई नहीं दे रहा, बाकी आगे से इसका हाइट है। वो हाइट इसलिए कि बनाए कि पानी के साथ में जो भी भारी डस्ट होगा वो इस वाली जगह पर रुक जाएगा, जाएगा पानी ऊपर, लेकिन जो पानी बह के आगे जाएगा वो गेट तक जाएगा, गेट के आगे ना जाके वो राइट में डिवाइड होगा। अच्छा। और जब तक डिवाइड होगा जब तक पूरी वाटर कैनाल साफ ना हो जाए, जब उनको लगता है कि आम नहर में साफ पानी आने लगा तो उस लेफ्ट वाले पार्ट को ओपन कर देंगे, राइट वाले को क्लोज कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाला चैनल है। फिर यहाँ से भी जो गंदा पानी होगा मिट्टी कंकड़ वाला वो आगे बह के जाएगा, लेकिन वो जाएगा सोल्जर्स के नहाने वाले टैंक में। अच्छा। जब उनको लगता है कि पूरे 5 किलोमीटर की वाटर कैनाल में क्लीन पानी आने लगा तो उस वाले पार्ट को भी क्लोज कर देते हैं, सबसे साफ पानी आएगा, फिर वो जाके स्टोर होगा पीने वाले पानी में एकदम। तो पीने के लिए अलग है, नहाने के लिए अलग है और जानवरों को पिलाने के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले जो टैंक है ना वो देखो इधर से दिखाई देगा, ये इस किले का सबसे फर्स्ट वाला टैंक है जिसमें पहाड़ियों का जो सबसे पहले पानी आएगा वो इसमें आके स्टोर होगा। इसका पानी उस समय जानवरों को पिलाने काम में लेते थे। अच्छा। जो राजाओं के पास में हाथी घोड़े वगैरह होते थे उनको पिलाने के लिए। दूसरा, जब इस कैनन को चलाया गया है उस समय ये पूरा फोर्ट खाली करके एक बंदे को रखा गया था इस कैनन को फायर करने के लिए। अच्छा, इस कैनल को। हाँ, तो उस समय क्या है पूरा फोर्ट खाली था, लेकिन ये वाला जो पहाड़ था इसको पूरा पानी का भरा गया था। अच्छा। ताकि वो बंदा इस कैनन में आग लगाए भाग के पानी में जम कर जाए तो उसको कुछ नुकसान ना हो। लेकिन कहते हैं जब इस कैनन को चलाया गया जम करने के बाद भी जो साउंड हुआ उससे वो बहरा हो गया था, और जो इस कैनन की ओरिजिनल गाड़ी थी वो उसी समय डैमेज हो गई, क्योंकि उस जमाने में इतना बोर सिस्टम नहीं था जो प्रेजेंट टाइम में है। अभी जो आयरन है पहले था नहीं, पहले अंदर लकड़ी ऊपर लगा था। तो ये दोबारा पार्ट बना हुआ है। पीछे पहाड़ी के ऊपर एक बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है इसके लिए के बैक साइड में। हाँ, वो दिख रही है। ये 12 किलोमीटर का राउंड है और दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी वॉल है ये। तीसरी वॉल है, पहले चाइना वॉल से। हाँ। सेकंड राजस्थान में एक फोर्ट है कुंभलगढ़। हाँ, कुंभलगढ़ जिसका राउंड है 36 किलोमीटर। और तीसरी जयगढ़ और आंबेर, और आंबेर टाउन को कवर करती है, 12 किलोमीटर का राउंड है ये। नागेर को, नारगढ़ को नहीं करती, नहीं, बस नारगढ़ ये वाला जो पार्ट है वो पिंक सिटी से जॉइंट है। अच्छा है। क्योंकि नारगढ़ जो है वो सबसे लास्ट में बनाया गया, राजा माधव सिंह जी की 9 रानियां थी। उनके लिए बनाया गया, 9 रानियों के लिए 9 पैलेस है जो 1880 से 1922 के बीच में बना हुआ है। ओके। तो सबसे हाइट पे जो बना हुआ जयपुर वो नारगढ़ फोर्ट है, फिर जयगढ़ फोर्ट है और टाउन में आंबेर पैलेस। अरावली रेंज पे जयपुर में 3 फोर्ट बने हुए हैं जिसमें 2 पैलेस है, 1 किला है। और वो उस तो ये जो दीवार देख रहे हो ना इस किले की। हाँ। इस किले की दीवार पे 5000 होल है। अच्छा, 5000 ये जो बने हुए वॉल है ये इस प्रकार से बनाए कि ऊपर वाला सैनिक देख सकता है। हाँ। और नीचे वाले अटैक भी कर सकता है। हाँ। लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को देख नहीं सकता और ना अटैक कर पाएगा। हाँ। तो इसकी 3 रेंज है, ये देखो इधर से। ये आंबेर टाउन है जो जयपुर से पुराना है,
क्योंकि जयपुर तो 1727 में राजा जयसिंह जी के द्वारा बनाया गया था। उससे पहले 26 राजाओं की जो 700 साल तक राजधानी थी वो आंबेर हुआ करती थी। हाँ। ये आंबेर में एक झील है पानी स्टोर करने के लिए उस टाइम पे बारिश का। अच्छा, बोलते हैं मावटा सरोवर। अच्छा, मावटा सरोवर। मैंने आपको बाउंड्री वॉल दिखाई ना। हाँ, वो दिख रही। तो ये जो पार्ट है जहाँ से अभी अपन आमेर का व्यू देख रहे हैं ये उस टाइम पे दूर तक दुश्मन को देखने के लिए होता था। अच्छा। बड़ा वाला पॉइंट। बाद में कैनन्स वगैरह आए तो जो चाहे तो यहाँ पे अपनी कैनन लगा के काफी दूर तक रेंज के आधार पे उन पे अटैक किया जा सकता है। छोटी वाली कैनल्स होती थी वो यूज करते। तो ये तो हो गया उसके लिए। और ये देखिए 5000 विंडो, इसमें आप लोगों को 3 रेंज देखने को मिलेगी। ये है मीडियम रेंज, अपन देखे 90 डिग्री का कौन है लेकिन वो अपने को नहीं देख पाएगा। हाँ। वो नहीं देख। ये हो गई मीडियम गन्स और एरो के लिए। गन्स तो बाद में आई थी, पहले तो वो तीर बाण ही। तो इससे अगर दूर तक दुश्मन को देखना हो तो ये बीच वाली रेंज देखिए, लॉन्ग रेंज। अच्छा। हाँ। और इन दोनों से क्लोज आएगा तो एकदम पास एकदम ये। हाँ। ये गर्म ऑयल गर्म पानी के लिए। कि कोई पास आए तो। हाँ। और ऊपर चढ़ने की कोशिश करे रस्से के सहारे पे तो नीचे गरम पानी गरम तेल डाल दो उसके ऊपर। हाँ। ये जो राउंड बना हो ना इसको बोलते हैं बुर्ज। हाँ। बुर्ज का मतलब होता है जैसे एक्स्ट्रा वेपन रख लो, गरम पानी गरम ऑयल वगैरह करने के लिए। हाँ। हर थोड़ी थोड़ी दूर में पॉइंट दिया जाता है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये सेकेंड वाला। हाँ, वो थर्ड वाला। उसके आगे। अच्छा, ये गोलाकार जो भी है वो एक्स्ट्रा चीज के लिए, क्योंकि कभी भी लड़ाई होगी ना तो अगर वो उनके पास में एक्स्ट्रा गोला बारूद नहीं होगा, दूर से लेके आएंगे तो दुश्मन को आने में आसानी होगी ना। पास में आ जाएगा। तो ऐसे किले के ऊपर एक बुर्ज दिया जाता है, बुर्ज में जैसे सामने पहाड़ियों के ऊपर भी बनेगी वो बुर्ज। हाँ। वो राउंड दिया हुआ है, आगे भी दिया हुआ है, पहले से ही लाके स्टोर कर लेते, स्टोर करते। और इसमें जो चेक पोस्ट होती है, जैसे गोल जो पहाड़ियों के ऊपर राउंड बने हो ना, यहाँ पे उस टाइम पे नंगाड़े होते थे बड़े वाले। अच्छा, उनसे सिग्नल देते, सिग्नल देने के लिए। फोन मोबाइल होता नहीं था और इतनी दूर वैसे आ नहीं सकते, तो एक दूसरे को जो भी उनका बजाने का सिग्नल देने का मैसेज होता था वो अपने हिसाब से एक दूसरे को मैसेज देते थे, जो भी उनके हिसाब से लड़ाई का या जो भी सिग्नल है उसके हिसाब से। तो इस साइड में तो मात्र एक पॉइंट था जो दुनिया के सबसे बड़ी तोप और दूसरा वाटर कैनाल। अच्छा। और इस साइड से जलमहल का व्यू पॉइंट दिखाई देता था, क्योंकि ये जो पार्ट है जयगढ़ फोर्ट का सबसे हाइट वाला पार्ट है। बाकी के जो पार्ट है खजाने वाली जगह, नौ कमरे वाला टैंक, वेपन्स वगैरह, वो सब आगे देखने को मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। जो वाटर कैनाल दिखा रहा था ना मैं आपको, तो फर्स्ट वाला पार्ट तो पीछे रह गया जो मैंने पहाड़ियों वाला दिखाया, उसके बाद में सेकेंड वाला पार्ट ये है। इसमें जो डीप दिया हुआ है ये इसलिए दिया कि पानी के साथ में जो भी बाहरी चीज होगी ना वो नीचे बैठ जाएगी, और जो गंदा पानी अंडरग्राउंड वाला वो पानी इधर ना जाके इधर से डिवाइड होगा नहाने के लिए सोल्जर्स के, नहाने वाला ये नहाने वाला है। ऐसे करके जब उनको लगता है कि पूरी नहर साफ हो चुकी है तो उस गेट को उठा के यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, वो ओपन। वहां से फिर जालियां हैं, इन जालियों से चलता हुआ पानी पीछे चौकोर वाला पार्ट देख रहे हो। हाँ, ये पूरा दिख पूरा, इसका लंबाई है 138 फीट। हाँ, और इसकी चौड़ाई है 158 फीट और इसकी गहराई है 40 फीट। तो ये जो टैंक्स है ये राजा मानसिंह जी के द्वारा बनाया गया था जो पानी स्टोर करने के लिए। हाँ। तो इसमें पानी आने की जो कैपेसिटी है ना। हाँ जी। वो है 60 लाख गैलन। 60 लाख गैलन, 3 करोड़ लीटर। 3 करोड़ लीटर एक दब अगर भर जाता है ये टैंक्स पानी से। हाँ जी। तो इस टैंक से 10,000 सैनिक 2 साल तक पानी पी सकते हैं। 10,000 सैनिक 2 साल तक। हाँ। तो उस जमाने में लेंटर वगैरह नहीं थे ना। हाँ हाँ। तो इतनी बड़ी छत बनाने के लिए उन्होंने इसके नीचे 81 पिलर दे रखे हैं। 81 पिलर है। 81 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई छत है, और छत की विशेषता है उस टाइम पे लाइट वगैरह नहीं थी। अच्छा। तो ये जो टैंक्स है इसकी जो छत है पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म करती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसमें ऐसे 6 मटेरियल मिला के बनाया, इसमें 5 मटेरियल ऊपर है। हाँ। रेड वाली मिट्टी, व्हाइट वाला चूना, ब्लैक वाला गुड़, राइस का पेस्ट, उड़द की दाल का पेस्ट। उड़द की दाल का पेस्ट। हाँ। और छत के अंदर वाले भाग में एक मोटी परत मुल्तानी मिट्टी की। मुल्तानी मिट्टी। तो गर्मी में मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है और सर्दी में गर्म होती है। हाँ हाँ। तो जितने भी फोर्ट पैलेस है इनकी जो छत वाला अंदर वाला पार्ट है उसमें चीजें मिला के बनाए करते थे। अच्छा। ये वो वाटर कैनाल का पार्ट है, यहाँ से बहता हुआ जाएगा
ये सोल्जर्स के नहाने के लिए, ये सोल्जर्स का नहाने, हाँ ये ओपन टैंक से दो, जिसमें एक सेना के नहाने वाला, दूसरा जानवर को पिलाने वाला। हाँ आज भी इस फोर्ट में अगर रिपेयरिंग वगैरह होती है ना, तो इसमें सीमेंट यूज में नहीं ली जाती, आज भी इसमें तीन चीजें होती है, ये वो पेस्ट बनाने के लिए, व्हाइट चूना होता है, व्हाइट चूना, रेड वाली मिट्टी, रेड मिट्टी और ब्लैक वाला गुड़। अच्छा ब्लैक वाला गुड़, ये तीन चीज मिला के इसको रिपेयर करते हैं। तो आइए, तो उसका पेस्ट वगैरह बनाने के लिए वाला पार्ट है, कहीं पे भी जैसे इस फोर्ट में रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, यहीं पे चीजें बनती हैं, यहीं पे पेस्ट वगैरह बना के, सीमेंट आज भी यूज में नहीं ली जाती, सेम वही प्रोसेस चलता है। हाँ ये जो विंडो देख रहे हो ना, इसके 40% में विंडो है, 60% में विंडो नहीं है, उसका कारण है, एक तो हवा जाएगी तो हवा के साथ में जो कण होंगे डस्ट होगा कम जाएगा, दूसरा जब हवा इसमें जाएगी तो हवा काफी देर तक इसके अंदर घूमेगी, घूमेगी तो हिलता हुआ और बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता, खराब नहीं होता, तो उस पानी को शुद्ध रखने को जमाने का तरीका है जी। जो उस जमाने की कॉपर की बनी हुई जाली है, दूसरी साइड हो तो वो हवा पास होती रहेगी और इतना पानी हिलेगा नहीं उसमें, क्योंकि चारों साइड से हवा आएगी, चारों तरफ निकल जाएगी, लेकिन इस पार्ट से जाएगी तो वहां से राउंड करके टकराने के बाद इस पार्ट पे आएगी, तो ऐसे इसको बनाया पानी शुद्ध रखने के लिए। दूसरा इसमें ऑक्सीजन वगैरह भी होगी तो उसके वजह से पानी खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। और ये देखें, इस किले का सबसे गहरा टैंक से ये जी, ये जो चौकोर होल देख रहे हैं, ऐसे लाइन से तीन तीन करके 9 होल्स हैं, इसकी गहराई है 52 फीट। अच्छा 52 फीट, तकरीबन 5 फ्लोर नीचे इसमें 9 रूम्स है, और कहते हैं इस 9 रूम में रॉयल फैमिली उस जमाने में अपना डेली यूज वाला पैसा रखते थे, खजाना। हाँ और इसी जो डेली यूज वाला पैसा था, इसी खजाने से 1727 में राजा जयसिंह जी ने जयपुर सिटी का निर्माण करवाया था। अच्छा। बाद में जो खजाना जो भी था या नहीं था, इसका रास्ता कॉर्नर वाला था, उधर वाला, वो वाला। 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा खजाने की तलाश करवाई गई थी, वो इस वाटर टैंक के नीचे। अच्छा। लेकिन उसमें कितना मिला या नहीं मिला उसका कोई यहाँ पे प्रूफ नहीं है, कोई कहते है मिला, कोई कहते नहीं मिला, लेकिन उसकी जो पुख्ता जानकारी है वो किसी को नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है उसके। इन खजानों की सुरक्षा के लिए सामने जो छोटे छोटे रूम देख रहे हो ना, उस टाइम पे सोल्जर्स रहा करते थे। अच्छा इनमें? हाँ, अभी यहाँ के जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, जो उनमें से कुछ बंदे यहाँ पे रहते हैं उन लोगों के रहने के लिए। तो यहाँ पे पानी का टैंक है, तो खजाना कहाँ पे था? देखो इसके दो पार्ट बनाए गए थे उनके द्वारा, कि 40 फीट तक पानी और फिर उसके नीचे, उसके नीचे फ्लोर, क्योंकि जो फ्लोर था, फ्लोर के नीचे 9 रूम थे, तो 9 रूम की छत के ऊपर पानी। अच्छा। और छत के नीचे 9 रूम्स। हाँ हाँ। तो कहते हैं जब 1976 में उन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी, तो इसका पानी खाली करवाया गया, फर्श वगैरह तोड़ा गया था, फिर उनको नीचे रूम मिले, ये लोग कहते हैं, क्योंकि जो उस समय के थे। लेकिन उसका जो कहते हैं बाद में जो उनको मेन रास्ता था, वो स्पोर्ट से नाव के आम्बेर पैलेस से था, टनल के द्वारा, वो टनल यहाँ पे जो खजाना है उसका रास्ता, उसका रास्ता। लेकिन आम्बेर पैलेस से स्पोर्ट तक 3 टनल हुआ करती थी। एक टनल जो होती थी सेफ्टी के लिए, कभी लड़ाई वगैरह हो तो रॉयल फैमिली अंडरग्राउंड टनल के द्वारा स्पोर्ट में आ सकती थी। हाँ, वो नीचे से अंडरग्राउंड है, वहाँ से अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड है। दूसरी कहते हैं खजाने तक आती थी। हाँ। और तीसरा जो एक रास्ता था वो आज भी ओपन है, जहाँ से लोग आज भी पैदल आते हैं। हाँ, वो सीढ़ियों से। हाँ, लेकिन वो जो सीढ़ी वाला रास्ता वो तो आम्बेर में चला जाता है, जो एलिफेंट की सवारी होती है वो नहीं, जैसे अंदर जाते हैं गेट में, एक है सीढ़ियों से एक सुरंग बनी हुई है। हाँ। और फिर यहाँ से ऊंचाई पे आना पड़ता है, वहाँ से नीचाई पे। हाँ, वो जो टनल है वो। हाँ। अभी 200-300 मीटर की उन्होंने ओपन कर रखी है, उसके। हाँ। राइट साइड से एक और ओपन रास्ता है। हाँ। वो नीचे से प्लेन रास्ता है, तो वो रास्ता यहाँ तक आता था, और आज भी वहाँ से लोग पैदल आते हैं। हाँ, आते दो रास्ते टनल के द्वारा भी आएंगे ना, तो तकरीबन यहाँ से 700-800 मीटर नीचे वो ओपन हो जाते हैं। वो यहाँ पे भी होगी ना? नहीं, वो यहाँ से नीचे जाने के बाद आएगी। अच्छा, नीचे जाने के बाद। 700-800 मीटर नीचे जाने के बाद। अच्छा। उसमें जैसे अपन चल रहे हैं ना, ये वाला पार्ट। हाँ। अब उसमें दोनों साइड में दीवार है, ऊपर से ओपन है वो। हाँ। उसके हिसाब से बनी हुई है। अच्छा। तो इस टैंक का जो मेन रास्ता था पानी तक जाने के लिए, पानी लाने के लिए, पीने के लिए, वो ये वाला रास्ता। अच्छा, ये था मेन रास्ता। मेन रास्ता ये था, उस जमाने में लाइट वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, जितना पानी डीप है वहां तक उन्होंने सीढ़ियां बना रखी है। हाँ, हाँ।
कि जितना पानी डीप जाएगा बंदा वहां तक जाके पानी पीने के लिए ला सकता है। उस जमाने में फिल्टर करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था ना। ये जो गोल वाला राउंड दिया हुआ ना, इसके ऊपर उन्होंने एक ओपन गेट दे रखा है जिसको क्लोज रखते हैं सेफ्टी के लिए। जब इसमें पानी स्टोर होता था तो उसके बाद में इस वाले जगह से इसमें चूना और फिटकरी डाल के इस पानी को फिल्टर किया करते थे। आज भी वो दोनों चीजें डाली जाती है और आज भी ये पानी जब इसमें पानी स्टोर होता तो पानी पीने के काम में लिया जाता है प्रेजेंट टाइम में भी। अभी जैसे घरों में भी बनाते तो भी फिटकरी डालते हैं ये बारिश का पानी वो करने नेचुरल तरीके से फिल्टर करते हैं। जैसे आरओ वगैरह पानी होता है उसको फिल्टर करो तो सारे कण खत्म हो जाते हैं। हाँ। इसमें नेचुरल तरीके से फिल्टर किया जाता है।